दूर से कीजिए ना, थोड़ा सा पीछे ले लीजिए। कुमार आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज, पप्पू यादव कई मांगों को लेकर आज दोनों हाथों में मशाल। गरीबों की आवाज को दबाने के खिलाफ ये मशाल, व्यापारियों के अधिकार का ये मशाल, मिडिल क्लास परिवार के इंसाफ का। आगे बोलेंगे, चलिए सर। जिस तरह से आगे कहा था कि रूम रेंट छात्रों का माफ को लेकर, बिजली बिल माफ किया जाए, निजी ट्यूशन फीस वालों का, उसको लेकर क्या कुछ यही मसाल जो उसने कहा? बिल्कुल, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, व्यापारियों का होल्डिंग टैक्स, ईएमआई, उसका बिजली बिल माफ, सिपाही भर्ती, एसटीटी घोटाला, कलाकारों के अकाउंट में आप 10,000 रुपया डालो, आप क्या कहते हैं, जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पुस्तकालय है, जो बच्चे पुस्तकालय लेकर पढ़ाते हैं, उसका बिजली बिल माफ करो। उसके साथ साथ जो किराया है उसको माफ करो। जो आगे बोलेंगे, आगे चलिए। सर सरकार तो मान नहीं रही है, काफी दिनों से छात्र हो चाहे निजी कोचिंग संचालक, सर इसी के लिए लड़ाई है, आवाज है, और हर कदम बिहार और बिहारियों के अधिकार को बचाने के लिए मरने की तैयारी। तो पप्पू यादव, मैं मौजूद हूँ इनकम टैक्स चौराहा पे, जहाँ लगातार पप्पू यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। कई मजदूरों को लेकर, कोरोना वायरस में लगातार मजदूरों को लेकर, कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, आज फिर एक बार मशाल जुलूस निकाले हैं। काफ़ी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, अपने हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर निकले हैं, कई मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पहचान, कलाकार को आज हमारे बिहार में कोई पहचान नहीं है। हमें अपनी पहचान देने के लिए केंद्र कला मंत्री को 1,000 रुपये के लिए वीडियो बना के कोरोना पे देना पड़ रहा है, तब वो हमारी मदद करेंगे। 1,000 आप बताइए, कलाकार की ये पहचान 1,000? हमारे बिहार में इतने कलाकार हैं, कितने लोग कितनी दयनीय स्थिति में हैं, क्या सरकार हमें देखने आ रही है? रूम रेंट हमारे ऊपर इतना गिरा हुआ है, घर मालिक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिजली बिल गिर रहा है, हम कहाँ से करेंगे? सरकार हमें किसी तरह की मदद नहीं दे रही है। आज आप पप्पू यादव के साथ थे? पप्पू यादव जी नहीं, पप्पू यादव जी भी आम किसी भी नेता हो, किसी भी दल के हो, लेकिन उन्होंने यह हम लोगों की व्यथा को समझा है। कल हम लोगों को बहुत मतलब आदर सम्मान दिया, उन्होंने एक रास्ता बताया कि आप लोग ऐसा करें ताकि सरकार तक ये आवाज़ें जाएँ। क्योंकि हम लोग अगर सर रोड पर आते हैं विदाउट किसी दल के आते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं लोगों के सामने है, सरकार की नज़र में नहीं है। जो गाँव में एक कट्ठा ज़मीन पर खेती करता है उसकी पहचान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नज़र में है, लेकिन हम लोग अपना, वो भी अपना परवरिश करता है बच्चों की, हम लोग भी अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए 1,000 रुपया, वो भी पर्यटन मंत्री जो थे पहले, अभी सांस्कृतिक मंत्री है प्रमोद जी, वो उनका कहना है कि आप अगर वीडियो बना करके हमें देंगे, वो भी सरकार के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, वीडियो पसंद आएगी तो 1,000 रुपये का पारितोषिक राशि देंगे। क्या हम उनसे भीख मांग रहे हैं? हम लोगों की पहचान चाहिए। हम लोग ये पूरा पप्पू यादव जी से कुछ बात करते हैं मशाल जुलूस को लेकर। क्या सर, आप जब लोगों की ज़िंदगी बुझा दोगे, सिपाहियों की ज़िंदगी बुझा दोगे, एसटीटी की ज़िंदगी बुझा दोगे, जब आप मिडिल क्लास पर बोझ बनोगे फीस का, जब ट्यूशन फीस और फीस लोगे, जब आप मिडिल क्लास पर बोझ बनोगे, आप व्यापारी, छोटे व्यापारी, मझलो व्यापारी का ईएमआई बिजली बिल लोगे, जब आप उसको होल्डिंग टैक्स दोगे तो आवाज़ तो उठेगी। जब आप पुस्तकालय चलाने वाले बच्चों पर बोझ बनोगे, कलाकार को आप मदद नहीं करोगे और मर चुका सारा कलाकार, तो जुद तो होगा। जब मजदूरों को बर, ये आदमखोर सरकार है, ये मौत वाली सरकार है, ऐसे इतिहास के खिलाफ ये मसाल 12.5 करोड़ की आवाज़ थी, इस हुकूमत को जला के राख कर देगी ये मसाल। यदि बिहारियों के साथ, यदि मेरे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, एसटीटी भर्ती, और यदि फीस आप माफ़ नहीं किए, भाड़ेदार किराएदारों को बिजली बिल माफ़ नहीं किए, तो ये लड़ाई सीधा आर पार की होगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो जाएंगे। ये अभी तो एक आवाज़ थी मसाल की, आगे देखिए। सर सोशल डिस्टेंस का कहीं पालन आप अपना काम करिए पूरा सर सोशल डिस्टेंस का कहीं पालन आप अपना काम करिए।